हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूँ रिंकी कुमारी। जैसा कि सबको पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। इतना तो सबको पता ही होगा कि फर्स्ट शेड्यूल जो आप लोग का 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जो था वो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज 17 अक्टूबर। तो जहां तक क्वेश्चन का एनालाइज करने के बाद पता चला है कि आप लोग का जो कुछ कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। फर्स्ट शेड्यूल से कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप लोग ऐसा करो कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जितने भी एग्जाम हुए और जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए, टोटल क्वेश्चन का एक बार एनालाइज कर लो, रिवीजन कर लो। हो सकता है कि सेकंड शेड्यूल में कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ग्रुप डी के एग्जाम में देखा जा रहा है कि करेंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग करेंट अफेयर बहुत अच्छे से देख लो। 2018 चल रहा है लेकिन 2016 और 2017 से भी क्वेश्चन आ रहा है। बेसिक से बेसिक आप लोग क्वेश्चन एकदम क्लियर किया करो। कल 16 अक्टूबर था। कल जैसा कि एनालाइज करने के बाद पता चला ना कि क्वेश्चन, मतलब क्या बताएं, आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा एडिटर कौन सा न्यूज चैनल पे कौन सा एडिटर काम कर रहा है, तो इस न्यूज चैनल का एडिटर कौन है, ये सब भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग कुछ भी करते हो ना, तो हर चीज का एनालाइज अच्छे से करो। कौन सा क्वेश्चन कब पूछ दे किसी को पता नहीं है। चलो आज देखते हैं आप लोग का एग्जाम जो 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट है वो ओवर हो चुका है। तो देखते हैं, कहीं कहीं से मुझे कुछ क्वेश्चन मिला है, ज्यादा तो नहीं बताऊंगी पर जो भी क्वेश्चन मिला है तो मैं उसका एनालाइज आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग अच्छे से कर लेना। ये जो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि नेशनल एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का नेशनल एनिमल कौन है, तो आंसर हो जाएगा ब्लैक बक। सेकंड क्वेश्चन है कि एच एस प्रनॉय इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, किस फील्ड से एच एस प्रनॉय एसोसिएट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। यहाँ पे जो एच एस है यहाँ का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हसीना सुनील प्रनॉय, ठीक है, जो कि बैडमिंटन के क्षेत्र में है। तीसरा क्वेश्चन है कि हु वॉन द 2016 इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, 2016 में इंदिरा गांधी अवार्ड किसे मिला वो भी नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में, तो आंसर हो जाएगा टी एम कृष्णा। चौथा क्वेश्चन है कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, तो ये सबको पता है ग्रुप 18। देखो ग्रुप 18 को हम लोग ग्रुप 0 भी बोलते हैं, आप लोग पढ़े हो ये आप लोग को शायद पता ही होगा कि ग्रुप 18 को हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, या तो ग्रुप 0 बोलो या तो जीरो ग्रुप बोलो, ठीक है। और इसमें सबको पता है कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें आपका हीलियम आ गया, नियॉन आ गया, ऑर्गन, जेडॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब जो आपका जो 6 एलिमेंट है ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है और ग्रुप 0 इसी को बोला जाता है। तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि नोबल गैस किस ग्रुप में आते हैं, या ग्रुप 18 में कौन से एलिमेंट आते हैं, या ग्रुप 0 किसको बोला जाता है। तो आप लोग तीनों क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि इन विच ग्रुप सल्फर इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में सल्फर है, तो आंसर हो जाएगा ग्रुप 16। पीरियोडिक टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए कम से कम अगर ज्यादा पढ़ नहीं सको तो एक बार वो जो फिगर पीरियोडिक टेबल है वो आप लोग अच्छे से देख लो, क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट मूवी फिल्म फेयर अवार्ड 2017, किस मूवी को 2017 का बेस्ट मूवी बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा दंगल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन वाज अवार्डेड विथ ओलंपिक जिम्नास्टिक मेडल 2018, दीपा कर्माकर, बहुत ज्यादा ये फेमस हुई थी, इसके बारे में चलो कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। दीपा कर्माकर जो है वो 2018 जुलाई और ये तुर्की में जो ओलंपिक हुआ था जुलाई में, उसमें दीपा कर्माकर को गोल्ड मेडल मिला था। और ये इसलिए फेमस भी थी ना क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन थी जो कि गोल्ड मेडल हासिल की, ओके।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 बराबर 64 किलोमीटर पर आवर, टाइम बराबर इतना, तो दूरी क्या होगा? सबको पता है कि डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है? आपको 64 किलोमीटर पर आवर दिया और 24 मिनट दिया हुआ है। देखो ये जो 64 किलोमीटर पर आवर है, 24 मिनट है, तो इसको आप लोग आवर में चेंज कर दो, ओके? आवर में चेंज करो, उसके बाद 12, ऐसा करो 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, ठीक है? ये हो गया 128/5 किलोमीटर, जो भी है दशमलव वहां पे दिया हुआ रहेगा, या तो ऐसे दिया रहेगा, नहीं तो आप लोग को दशमलव में दिया रहेगा, आप लोग आंसर चूज कर लेना। अगेन क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, या यहाँ जो सीबीएसई वाले हैं वो कंफ्यूज कर जाते होंगे। इलेक्ट्रॉन पे आवेश, आवेश का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है माइनस में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन का पूछा जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन होता है तो उसपे चार्ज जीरो होता है, ठीक है? किस समूह के सभी तत्व गैस हैं? पीछे के स्लाइड में भी मैंने बताया है कि नोबल गैस किस ग्रुप में आते हैं, तो वो है ग्रुप 18। तीन तरीके से क्वेश्चन आप लोग को घुमा देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। किस समूह के सभी तत्व गैस है, तो वो हो जाएगा ग्रुप 18, नोबल गैस इसी को बोला जाता है। जीरो ग्रुप भी ग्रुप 18 को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको आया था, जिसको बोला था ना कि सरलीकरण मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये आप लोग तो आराम से कर सकते हो। 84 / 3 − 4 × 6 + 12, 84 ये 3 से कट जाएगा यानी 2 यानी 8 यानी 24 यानी 4 + 12 यानी 16, ओके? चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक सीरीज का क्वेश्चन आया था, 2, 4, 6, 12, ऐसा नहीं लग रहा है ये देखो, तो 2 × 4 + 2 यहाँ पे हो रहा है 6, 6 × 12 + 2, 6 × 12 + 2, फिर 14 × 28 + 2, तो क्या लग रहा है? पहले में हो रहा है गुना, और फिर अगले वाले टर्म में प्लस 2 हो रहा है, फिर गुना 2, फिर अगले वाले में, तो ये यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा 30 × 60, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट वाले टर्म में क्या हो रहा है, प्लस 2 ऐड हो जा रहा है, यानी यहाँ पे 62 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि P = 1300 SI, सिंपल इंटरेस्ट 390, आर बराबर 5%, तो टी। क्वेश्चन देख के ही लग रहा है ना कि ये SI का है क्वेश्चन, और SI बराबर सबको पता है कि PRT/100 होता है, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। आपको SI पता है 390, P पता है आपको 1300 इंटू, R पता है 5% इंटू टी अपॉन 100, इससे कट गया 13 आया, 13 × 13 = 36, 43, 5 × 5 = 36, यानी टी बराबर 6 ईयर, ओके? ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज काउज ऑफ मीन माता, मीन माता जो बीमारी होता है उसका काउज होने का कारण क्या है? सिंपल सा आंसर है मरकरी। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग रट लेना। 1 HP = क्या होता है, HP यानी हॉर्स पावर यानी 746 वाट। व्हाट इज व्हाइट फाइबर, हम लोग के बॉडी से ये रिलेटेड है कि व्हाइट फाइबर क्या होता है, तो वो मस्कल। Which is the heaviest metal? तो ये हो जाएगा ऑस्मियम। और हार्डेस्ट पूछा जाएगा तो वहां पे आप लोग हार्डेस्ट कौन होता है, तो वो होता है डायमंड, ओके? यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। हु मेड न्यू पीरियोडिक टेबल, तो ये हो जाएगा मेंडलीफ। देखो कितना क्वेश्चन आप लोग का पीरियोडिक टेबल से रिपीट हो रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम आप लोग 17 से जो नया शेड्यूल जो शुरू हुआ है, तो आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक का जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, आप लोग सारा क्वेश्चन का एक बार एनालाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। देखो आज का जो एग्जाम ओवर हुआ है तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं,
आप लोग जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, देखते हैं कुछ टाइम बाद आप लोग का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है, तो मैं जैसे ही एग्जाम ओवर होगा तो मैं उसका एनालिसिस आप लोग को बता दूंगी। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।